नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है मिथुन राशि के लिए सितंबर 2014 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में, जो 17 तारीख तक चलेंगे सिंह राशि में, यानी कि आपकी राशि से तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान में सूर्य जो है वो बहुत शुभ योग शुभ माने गए हैं, राजयोग कारक माने गए हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, ब्रदर सिस्टर्स रिलेशन से लाभ रहेगा, नेबर से लाभ रहेगा और भाग्य में वृद्धि होगी। हालांकि नेगेटिविटी ये है कि छोटी छोटी यात्राओं में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। 17 तारीख से सूर्य भ्रमण करेंगे राशि से चौथे स्थान में। चौथे स्थान में सूर्य का भ्रमण शुभ नहीं माना गया है, खास करके जो भी जातक हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो भी जातक हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत केयर करना जरूरी है। साथ में यहाँ राहु चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं तो अपने माता एवं पिता के साथ भी रिलेशनशिप में आपको केयर करना पड़ेगा। और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए, उसका भी केयर करना पड़ेगा। बात करते हैं दूसरे प्लैनेट्स के बारे में, तो बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल जो है वो 5 सितंबर से वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। तो राशि से छठवें स्थान में चलने वाले जो मंगल हैं बहुत शुभ है, राजयोग कारक है, रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं। मंगल छठवें स्थान में है तो भाग्य स्थान में दृष्टि करेंगे, छोटी छोटी यात्राओं में डिस्टर्बेंस आ सकता है। आंखों की विशेष केयर करें, अनएक्सेप्टेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं और लगन में मंगल की अष्टम दृष्टि होने के कारण थोड़ी सी शॉर्ट टेम्परनेस बढ़ सकती है। बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो बुध जो है वो सिंह एवं कन्या राशि में चल रहे हैं, तो बुध का भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है इस मंथ के दौरान। गुरु चल रहे हैं आपकी राशि से दूसरे स्थान में, गुरु का भ्रमण भी बहुत शुभ है, कुटुंब सुख में धन सुख में वृद्धि करने वाले हैं। शुक्र चलेंगे सिंह राशि में 25 तारीख तक, जो राशि से तीसरे स्थान में है तो शुक्र का भ्रमण भी आपके लिए शुभ है। और 25 तारीख के बाद शुक्र चलेंगे तुला राशि में, तो शुक्र का भी भ्रमण है कन्या राशि में। राशि से चतुर्थ स्थान में चलेंगे तो शुक्र का भ्रमण भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। राहु चलेंगे चतुर्थ स्थान में तो माता एवं पिता के साथ रिलेशनशिप में आपको केयर करना है। और शनि महाराज चल रहे हैं राशि से पंचम स्थान में, तो लव मैटर में माइनर डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, खास करके मित्रों के साथ आपको रिलेशनशिप में केयर करना है। और डेट्स आपको केयर करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार हैं, 6 और 7, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मकर राशि में। तो मकर के जो चंद्र हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र हैं। अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में आपको विशेष केयर करना है। और डेट सबको केयर करना है 14 और 15, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ के चंद्र जो है वो राशि से 12वें स्थान के चंद्र हैं। 12वें चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यदि आपके कोई मित्र हैं मिथुन राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।